नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आपका डीएडी थिंक क्लासेस क्लासरूम में। और आज का तीसरा क्लास आपको बताएगा कि आपको इस प्रिपरेशन करने के लिए और हमारे क्लासरूम के साथ बने रहने के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़रूरत है किन किन चीज़ों की। तो आइए हम शुरू करते हैं उन चीज़ों से जिन चीज़ों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी और अगले एक साल से शुरू करके आने वाले सालों तक इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी जुड़ जाएगी और आपके लाइफ में इन चीज़ों की अहमियत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कोई चीज़ दिखाने वाला हूँ जो शायद बिल्कुल नहीं हो, बट हाँ वो सारी चीज़ें अब ज़रूरत हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है A4 शीट, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फोटोकॉपी कराने के लिए और इन चीज़ों के लिए। यानी कि हमारे पास ये A4 शीट स्टैंडर्ड शीट है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे ड्राइंग करने के लिए और उसी पे हमारा बेस वही होगा। उसके बाद चाहिए हमारे को एक कार्डबोर्ड जो कि हम एग्ज़ाम देने के लिए होगा, हम शीट्स को इसमें पिन करेंगे और उसको यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत है A4 शीट की, एक नोटबुक की, एक स्पायरल नोटबुक की, जहाँ पे हम और भी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, एक लर्निंग डायरी बनाएंगे और चीज़ों को कलेक्ट करके इसके ऊपर लिखेंगे। और मे बी ड्राइंग लिख करना हो या फिर कुछ नोट्स लिखना हो या फिर मैथ्स प्रैक्टिस करना हो या रीजनिंग जीके जो भी करना हो, ऐसे नोटबुक्स आप खरीदेंगे। और ऐसे 3-4 नोटबुक्स आपके पास होने चाहिए, रूल्ड, अनरूल्ड एंड ये सब चीज़। उसके बाद हम एक स्टिक फाइल्स लेंगे जो अलग अलग असाइनमेंट्स को रखने के लिए हमारे काम आएगा। और उसके बाद हम लोग एक एनवलप लेंगे, ये पेपर वाला जिसमें हम लोग प्लास्टिक वाला जिसमें हम लोग अपने शीट्स असाइनमेंट्स को सिक्योर करके रखेंगे। उसके बाद जो टूल्स के इस्तेमाल हम करेंगे वो है 2B पेंसिल्स, यानी कि 2B, 4B, 6B पेंसिल्स हम यूज़ करेंगे। इन पेंसिल्स को यूज़ करके हम ड्राइंग्स बनाएंगे और उसमें इसके बाद मैं कलर के बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद यू शुड हैव पेपर कटर, जहाँ पे आप चीज़ों को कट करके या फिर पेंसिल छीलना पड़ जाए पर किसी ज़रूरत के लिए आपको काम आ सकता है। उसके बाद आपको स्केल चाहिए जो कि मेटल स्केल होगा। उसके बाद आपको एक फेविकॉल चाहिए जब हम लोग असाइनमेंट्स एक्टिविटीज़ करेंगे वहाँ इसका काम पड़ेगा। उसके बाद आपको एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स चाहिए मेजरमेंट्स लेने के लिए। और उसके अलावा आप अपने पेंसिल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं जो आपके पास जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ों को रखना होगा और सबको यूज़ करना होगा। तो अब हम लोग जिक्र करेंगे कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ेगी और कैसे पड़ेगी। और मैं ये लिस्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो लिस्ट दिख रहा है, इस लिस्ट को आप नोट कर लें और आज ही जाकर ये सारा सामान खरीद लें। इन सब का यूज़ आपको पड़ने वाला है और इन सब की ज़रूरतें आपको पड़ेंगी और करना शुरू करें। तो आज जब आप सामान खरीदने जाएंगे, आप जब बाहर निकलेंगे, तो आज आप कोशिश करेंगे कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हमने बात की थी पिछले क्लासेस में, ऑब्जर्वेशन स्किल्स की जो बात की थी, आप एक उसका प्रैक्टिस करेंगे कि जब बाहर निकलेंगे चीज़ों को समझना जानना, जब शॉपिंग करेंगे खरीदेंगे चीज़ों को तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या बेहतर है, कौन सी शीट बेहतर है, कौन सा नोटबुक बेहतर है, कौन सा पेंसिल बॉक्स बेहतर है, क्यों बेहतर है, नहीं बेहतर, आप अपना डिसाइड कीजिए। मैं कोई क्वालिटी या कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। आपको ढूंढना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और अफोर्डेबल है और कैसे यूज़ करना है। कोशिश करें कि एक मीडियम कॉस्ट की चीज़ों को लें जहाँ पर आप अफोर्डेबल हो और उसको यूज़ करने के लिए। जो पेपर आप खरीदेंगे फोर की, उसमें करीब करीब एक बंडल शीट ले लें, इसको बार बार हम यूज़ करेंगे और उसी के बल पे ही हम पूरा प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। तो आज अगर हम ये टूल्स खरीद लेते हैं, उसके अलावा आज हमारे को एक आपको मैं असाइनमेंट आज ही देने वाला हूँ, आप उस असाइनमेंट को फॉलो कीजिए और समझिए जानिए। ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, अभी आपका काम है कि आप लिस्ट ले लें और इस लिस्ट को फॉलोअप करते हुए जब आप बाहर निकलें, तो एक असाइनमेंट ये है कि आप जब बाहर निकलें तो आप अपने आसपास के जितने सराउंडिंग्स हैं उन चीज़ों को दिमाग में नोट करना शुरू करें, क्योंकि नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट की लिस्टिंग की होने वाली है। और उस सेशन को आप इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से आप अपने सराउंडिंग्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको आप लिस्ट करते हैं और बनाते हैं। और आज जब आप बाहर निकलेंगे और जब घर वापस आएंगे, तो आज जब पेपर आप खरीद के लाएंगे, तो आप नोटबुक खरीद के लाएंगे, तो आपको उस पर पहला चीज़ जो लिखना है वो ये लिखना है कि अभी तक आप दुनिया में किन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। यानी कि आप जो भी ऑब्जेक्ट्स से गुजरे हैं लाइफ में, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट रेडी करेंगे। यानी कि कम से कम 600 ऑब्जेक्ट्स होते हैं मिनिमम, और 800 बच्चे 600 से 800 का लिस्ट बनाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि टिंग से लेकर टोंग तक और टिंग से लेकर डोंग तक जो कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़
पिन से लेकर एरोप्लेन तक, और एक बेसिक्स घरेलू सामान से यूज़ करने को लेकर के एक सैटेलाइट बनाने की चीज़ों को यूज़ करने के चीज़ों को भी आप लिस्ट पे बनाएंगे, यानी कि कुछ भी याद आए उसकी लिस्टिंग करेंगे आप, और कैसे करेंगे वो आपकी टेक्निक होगी। तो आज का असाइनमेंट वो ये है कि आप जाके सारा सामान खरीद लें, दूसरा के खरीद के आते ही अपने नोटबुक पे जितने भी लिस्ट आपके दिमाग में सामानों का आ रहा है, चीज़ों की लिस्ट आ रही है, सारे लिस्ट को बना लें, और उस लिस्ट को कैसे यूज़ करना है हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे और उसको यूज़ करेंगे, और कैसे उसको सीखेंगे उसे धीरे धीरे, और सारा चीज़ हम लोग एक सिस्टम डेवलप करेंगे और उसके हिसाब से चेंज करेंगे, हम उसको टाइम टेबल भी बनाएंगे और हर दिन कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे और सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के शॉर्ट वीडियो में दो चीज़ है, एक सामान खरीदिए और एक लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट को सीरियसली बनाइए। एक और तरीका मैं थोड़ा आपको सपोर्ट सिस्टम दे दूँ कि इस लिस्ट को बनाने के लिए क्या तरीका होता है जो ईजी वे होता है। हमारे को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे अपने पूरे ज़िंदगी को। यानी कि सेक्शंस कैसे होते हैं, पहला लाइफ अगर किचन के हिसाब से चले, किचन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ले लें, अगर बाथरूम आप जाते हैं तो बाथरूम प्रोडक्ट्स ले लें, बेडरूम प्रोडक्ट्स ले लें। तो इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन के प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं किचन में यूज़ करता हूँ करती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बाथरूम में यूज़ करता हूँ करती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ करती हूँ। इस तरह से आप सामान को लिस्ट करते जाएंगे। याद रखिएगा, आप इमोशंस लिस्ट नहीं करेंगे किसी तरह का, आप किसी का बिहेवियर एडवर्ब एडजेक्टिव लिस्ट नहीं करेंगे, आपके नाउन यानी कि सामान लिस्ट करेंगे जो आपके लाइफ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप उसकी लिस्ट बनाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज मैं कुछ नहीं डिस्क्लोज़ करने वाला हूं कि आप जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। तो चैलेंज ये है कि आपको कम से कम 600 ऑब्जेक्ट और अधिक से अधिक 800 ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखना है। जनरली बच्चे इतना ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो आप भी लिखिएगा। और एक बार मैं फिर से बता दूँ कि ये जो क्लासेज हैं वो बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है, बट हाँ इसमें कमिटमेंट लेवल चाहिए कि आप हर दिन वीडियोस को देखें, हमारे बातों को फॉलो करें और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हुए लिखें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को बताइए और सब जगह फैलाइए जहाँ पर लोग बहुत ईजीली घर बैठे बिना किसी कोचिंग में गए हुए, बिना किसी कोचिंग में पैसा और टाइम बर्बाद किए हुए, मेहनत फालतू का मेहनत जाने आने का टाइम बर्बाद किए हुए आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, और अपने दोस्तों को बताइए ये तैयारी आपको कैसी लग रही है, और उसके अलावा इसमें और चीज़ों को कैसे ठीक किया जाएगा वो धीरे धीरे आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, और हम लोग एक साथ मिलकर प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा ये नहीं होने वाला कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही आप वही कीजिएगा, हम करेंगे ये कि आप जो बोल रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं हम उन चीज़ों को एक साथ अलाइन करें और समझें कि किस तरह से बेहतर तरीके से आप और प्रिपेयर कर सकते हैं निफ्ट, NID, UCEED, अलग अलग डिज़ाइन कॉलेजेस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला टॉपिक ये है कि हम जो 600 ऑब्जेक्ट लिख के लाएंगे उसका क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।